तत्काल मार्केट में कैंपिंग कर रहे हैं और कैंप के अंदर लाइट जल रही है और वो उधर दूर दूर गांव है। ये हमारा टेंट है, ये हमारा टेंट है, बिल्कुल टेंट का चैन खोलना चैन। ये हमारा कैंप है। पांडे जी आज सुअर कहाँ दिखे आपको? अरे भाई साहब, भैंस के बराबर सुअर था यार वो। जिंदगी में पहली बार मैंने वो सुअर देखा। मैं आपको बोला था ना यहाँ टेंट मत लगाया करो, हमें तो वहाँ 20 साल रह चुका हूँ, लेकिन हमें जो पता है वो पहाड़ का। लेकिन सर हम तो यूट्यूब वाले हैं, हमें तो कैंप लगाने का मेरे को तो बहुत शौक है। हाँ। ये आज भी क्या कहते हैं हमने कैंप लगाया है और क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना हमने गलती कर दी कि हमने गांव के आसपास लगाना था, लेकिन आसपास तो लगा रखा था, कितने जंगल यहाँ पर है। आप लोग तो सो जाओगे लेकिन डर मुझे अभी भी है यहाँ पे। हाँ। और जैसे कि अभी आपने आवाज़ सुना, अभी तेंदुए की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पर सुअर की आवाज़ आ रही है। आ रही नहीं आ रही यहाँ पे? आ रही है। फिर अभी टॉर्च है हमारे पास, टॉर्च देकर चेक करेंगे तभी सोएंगे रात को। अभी ये खाना खा के मुझे लग रहा है कि यार रात भर हम सो नहीं सकेंगे आज। हेलो गाइस, मैं उमेश पांडे, आज मैं इनके साथ आया हूँ यहाँ पे मानला उत्तराखंड में। और जैसा कि बहुत ही बढ़िया हमने एक्सप्लोर किया है यहाँ पे कैंपिंग का, बहुत बढ़िया। और हमारे अंदर एक और अपना टेंट लगाएं और टेंट लगाने के बाद अपना खाना खुद बनाएं, ये मतलब हमारा ये शौक है। हम चाहे तो हम होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपना एक शौक है कि हम जंगल के बीच में अपना टेंट लगाएं। और आज हमने बहुत बड़ी महान गलती कर दी महाराज। आज हमने गलती हमने ये करी कि हमने जहाँ पर टेंट लगाया ये अच्छी जगह नहीं लगाया, क्योंकि जब से हमने टेंट लगाया हम खाना बना रहे थे तब से हमें दो बार यहाँ पर दो आवाज़ आ चुकी है, एक तेंदुए की आवाज़ आ चुकी है और एक आ रखी है यहाँ पे सुअर की आवाज़। तो इससे मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आज रात भर हम सो पाएंगे या नहीं सो, मुझे लग रहा है कि नहीं सो पाएंगे। तो अब यहाँ गाँव तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो अब तो आप कहीं के नहीं रहे। अब कहे की नहीं रही है, हमारा शौक हम दिल्ली से दिया, दिल्ली का खून है हमारा ये। रात हो गई और रात हो गई है, मम्मी को बताया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी मत सोना, आप भी मत सोना। हाँ। और हमें रात भर जागना पड़ेगा, ऐसे या सोना नहीं पड़ेगा। आज जाएंगे बाहर, अभी अभी आज लाएंगे, अभी आज लाएंगे हम। तो ये है गाइस यहाँ पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी आज, क्योंकि सामान वामान ला के कैंपिंग हमने यहाँ पर लगा दी। और कुछ गांव वालों ने हमको बोला कि यहाँ पे कैंपिंग मत करिए आप, कि आजकल यहाँ पे टाइगर का और सुअर का आतंक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिर भी हमने लगा दिया, हम दिल्ली से आए हैं और हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन उतने पहाड़ी निठोर पहाड़ी तो हम भी नहीं हैं, लेकिन खा पी हम दिल्ली के ही मांस का खा रहे हैं अभी, लेकिन हमने लगा दिया यहाँ पे। तो देखी जाएगी आज, हमारे पास उजाला भी है, पर हमारे गारंटी नहीं है कि हम आज रात भर यहाँ पर रुकेंगे नहीं रुकेंगे, अब ये पता नहीं है, तो कल सुबह बताया जाएगा। आप अभी मम्मी मम्मी को बता भी नहीं रखा है, यहाँ बैठे हैं हम इनके गांव आए थे और इनके गांव जाके हम इनकी मम्मी को भी नहीं बताया, लेकिन खतरे की जगह पर लगा रखा है, हमें पता नहीं था इस बात, अब लगा दिया है। चलो आप देखी जाएगी, आप तीन आदमी हैं, हमें कोई डर नहीं है। और तुम तो तकिए भी ला रखे हैं, तो ये तो हमारा सारा सामान है, तकिए भी ला रखे हैं, ये तो हमारा अपना सामान है, अपना तकिए भी ला रखे हैं, दिल्ली से गाड़ी पैक करके सब ला रखे हैं। हम तो जहाँ जाते हैं अपना पूरा सामान लेके जाते हैं पूरा। तो क्या पार्टी कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। अंदर तो अच्छा लग रहा है लेकिन बाहर डर लग रही है, चक्कर तो ये है बाहर का नज़ारा बहुत ही खतरनाक। तो है आज हमने मानला में कैंपिंग की, लेकिन मैंने अपने माता जी को बताया नहीं, मैंने फोन नहीं किया, लेकिन उनको ये अगर सुअर आ जाएगा रात को तो ऐसे मैं ये टॉर्च है, बिल्कुल ये भाग के टॉर्च है, ये अंधा कर देगा। टॉर्च भी है और अब ये टॉर्च है देखिए, और कैंपिंग लाइट भी देखो, ये लाइट जल गई है और ये जल्दी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन एंजॉय तो आ रहा है, लेकिन यार फिर भी अंदर डर लग रही है। ये लाइट जो भी है दूसरी लाइट हम फिर लाए हैं, जिससे हम लाए, हम क्या रात को कोई अगर कुछ हो जाए तो दूसरी लाइट भी लाए हम एमरजेंसी, ये भी लाए ला रखे हम, पूरा इंतजाम कर रखा है। तो अभी मम्मी को बताने लगे ये भी लाइट है, हम सब इंतजाम कर लेते कि यार एक 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 टॉर्च डाउन होगी तो दूसरी टॉर्च स्टार्ट हो जाएगी, तो हमने सब इंतजाम कर रखा। देखिए ये खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना खाने की तैयारी करेंगे आप? तो गाइस हम अभी खाना खाते हैं, खाना का तो भूख भी लग गई है और इस समय टाइम बज रहा है ठीक रात के 9 और 9 ना 11 11 बज गए हाँ, 11 बज चुके हैं टाइम और हम इस समय खाना खाने की तैयारी करते हैं। बाकी आपका जो है सुबह का आपका पूरा व्यू दिखाया जाएगा यहाँ पर हम कहाँ पर है करके। और तो हमने तो डर लग गई भाई, आज यहाँ सुमन मिल गए, अभी हम कल सुबह गाँव जाएंगे और किसकी कैंपनी हमारे कैंपनी बन गई। और आज हम स्लीपिंग देखो और लाइट भी ला रखे हैं, दो टॉर्च ला रखे हैं, दो टॉर्च, एक जो जंगली जाना अंधा हो जाएगा। 11:30 हो रहे इस समय और हम उत्तराखंड में जहाँ पर हमने आपको बताया हम टेंट में सोए हैं इस समय,
सारे भाई लोग सो गए, भाई लोग सो गए हैं और हम तीन लोग इस टेंट में सो रखे हैं इस समय, और मेरे को नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी यहाँ पे, क्योंकि डर लग रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं हमारे जो टेंट है कैसे हिल रहा है, देखो आप कितनी हवा चल रही है, आप देख सकते हैं हवा हमारी बाहर कितनी हवा चल रही है। लेकिन हमने ये कैसे होगा, लेकिन हम आज हमने टेंट लगाने की जो जगह है बहुत गलत जगह चुनी हमने। आज की रात हमारी हालत खराब है, देखो क्या होता है। मैं चुपचाप सोता हूँ, लाइट बंद कर लेता हूँ। अभी तो रात भर हमको एमरजेंसी लाइट जलानी पड़ रही है यहाँ पे, और थोड़ा तेंदुए की आवाज़ आ रही है, कभी सुअर की आवाज़ आ रही है, तो ये है यहाँ का चक्कर। और मैं तो कह रहा हूँ ही भगवान हमारा आज का रात निकल जाए, और आज के बाद हम कैंपिंग कभी नहीं करेंगे ऐसी जगह पे। ताकि हम हैं इस समय मानिला में, और रतखाल के पास गाँव है कोई, वहाँ पर हमने लगा रखा है, क्योंकि जिनके साथ मैं आया हूँ उनका गांव वहाँ पड़ता है, वो अपने घर लेके। हमें कैंपिंग का शौक़ था बहुत, तो कैंपिंग का शौक़ की वजह से हम यहाँ पे आधे रास्ते में ही जंगल में रुक गए, कैंप लगा दिया। हमें पता नहीं था, हमने खाना बनाया सब कुछ बनाया और हमें पता नहीं था, तो हमसे ये बड़ी बड़ी गलती हुई आज। अब लगा दिया सारा सामान तो हम यहाँ से उठा भी नहीं सकते, लेकिन हमें डर भी लग रही है, डर तो लग रही है बहुत, लेकिन अपने आप को हिम्मत बांध रहे हैं। और भाई साहब तो सो के थकान गाड़ी चला के आए थे, आप देख सकते हैं, और लेकिन मेरे को बहुत डर लग रही है, मैं क्या करूँ। आप टॉर्च बंद करूँ, अब ये चिंता हो रही है कि रात को लाइट चाहिए चाहिए। और आप देख सकते हैं टेंट कितना हिल रहा है हवा के साथ, आप देखो टेंट ज़रा सा भी हिल रहा है तो हमें बहुत इस समय डर लग रही है बहुत। नहीं रहा था कहाँ चलो कहाँ चलो, हमने कहा टेंट लगा दे टेंट लगा दे, अब तो कहीं का रह नहीं गया आज। वो तो अब एक सो एक जगो, अब तुम उठोगे ये सोएंगे। ड्राइवर साहब हरक सिंह नेगी जी सो गए, और पांडे जी भी सो गए हैं, थक गए हैं, हमारे कुक हैं, उन्हें खाना ना बनाया। अब मैं जगह पड़ा हूँ, अब मेरा काम क्या है, ये टॉर्च लगा रखा मैंने, देखो हमने आज जंगल पांडे जी ये टॉर्च लगा रखा, टॉर्च लगा दिया टेंट आज। तो मेरी ड्यूटी है कि दो सो रहे हैं और मैं जागा हूँ, फिर दो घंटे बाद ये उठेंगे मैं सो जाऊँगा, क्योंकि अब हमें जागना पड़ेगा। अभी सुअर हमने यहाँ तेंदुआ देखा, तो अब मेरा मन तो मन कर रहा गाँव भाग गया शायद। अब मेरा काम यही है, दो सो जाओ एक जगो, फिर एक उठेगा फिर दो सो जाओ। तो टन बाय टन लगा रखा हमने, अब मैं आपको दिखाता हूँ टेंट, देखो ये टॉर्च लगा रखा है, एक टॉर्च के साथ एमरजेंसी लाइट भी है, और ऊपर उधर सीएफएल हमारा धोखा दे गया, सीएफएल फूक गया हमारा। अब मैंने एक एमरजेंसी टॉर्च लगा रखा है, टॉर्च की लाइट जल रही है, और इसके बाद हम पांडे जी और नहीं तुम सो जाओ, मैं बैठा हूँ दो घंटे तक, फिर मैं सोऊंगा, फिर आप उठना। इस समय रात के ठीक बज रहे हैं भाई साहब, तीन बज रहे हैं इस समय। यार क्या करूँ मैं अब, लेकिन अभी तक तो ये हवा भी चल रही तो डर लग रही है यार, कैंपिंग में सोना कोई मजा बात नहीं है। हाँ। जैसे ही कैंप पे हिल रहे हैं डर लग रही है, लेकिन मैं तो आज के बाद ये कैंप में नहीं सोऊंगा भाई, बात है सही। तभी स्टे होम स्टे में रह जाएंगे ना, ना। ये जंगल में कैंप लगाना टेंट लगाना कोई मजा बात नहीं है। हाँ। और हमने लगा दिया तो हमारे भाई साहब सो गए, देखो क्या करें। चलो फिर सो जाओ, चलो सो जाओ, फिर आप सो जाओ, गुड नाइट। आप देखो हमारे को, हम मैं बैठा हूँ, हमारे ड्राइवर साहब सो गए। अब मैं दिखाता हूँ चाय, हमें चाय पिलाई थी, थर्मस टी लाया हूँ मैं, और ये हमारे गद्दे हैं, नीचे हमने योगा मैट बिछा रखी है, और उसके ऊपर हमने कैचुआ का स्लीपिंग बैग रखे हैं। कैचुआ का नाम मान लो, अच्छा टेंट ले रखा है, टेंट ले रखा है, अब टेंट में सो रहे हैं। ड्राइवर साहब को तो खाट ले रहे हैं, हमें क्या दे रहा हूँ। और ड्राइवर साहब सो गए हमारे, थकान हो गई, पांडे जी भी सो गए, कुक मैन हमारे। अब मैं तुमको एक टेंट का और भी दिखाता हूँ। हेलो गाइस, मैं उमेश पांडे,
और हम तीनों भाई लोग यहाँ पे टेंट में सो रखे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था। मैं आधे नींद में भी हूँ लेकिन आधे मुझे डर लग रही बहुत। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों भाई लोग सब सो गए हैं, हमारे उस्ताद जी भी सो गए हैं यहाँ पे, जो दिल्ली से गाड़ी खींच के लेके आए थे और वो पहले वो भी थे, वो भी सो गए हैं। लेकिन मेरे को रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही यहाँ पे यार। आज पहली बार ऐसी जगह फंस गए आज कि क्या बताऊँ। लेकिन हमने गलत जगह पर टेंट लगा दिया। यहाँ पर शोरों का आतंक बहुत ज़्यादा है और बीच बीच में तेंदुओं का भी आवाज़। बस चिली स्प्रे पड़ा हुआ है और बाकी तो कुछ नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो यार मेरे को तो थोड़ा घबराहट सी हो रही है, आज मैंने गलत जगह लगा दी। लेकिन मैं आज के बाद कैंपिंग नहीं करूँगा, कैंपिंग वहीं पर करूँगा जहाँ पर कोई आसपास बाज़ार हो या कोई रेस्टोरेंट हो या कोई मार्केट हो, वहाँ पर कैंपिंग करूँगा और नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं भाई लोग सब सो गए, हम एक एक करके नंबर वाइज सो रहे हैं। और इस समय टाइम हो रहा है ठीक इस समय, एक मिनट देखता हूँ जो हमने सोना ही है। और ये भाई लोग तो सो गए, मेरे से चौकीदारी नहीं हो पाएगी, मेरे को नींद आएगी तो मैं बैठे बैठे सो जाऊँगा ऐसे ही। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट कल दूँगा और देखते हैं। तब तक के बाय।